गण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, नए नए टिप्स देने वाला, जीवन के निर्माण के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, स्वास्थ्य के संबंधी, धर्म दर्शन के संबंधी और हम कैसे विकास करें उनके संबंधी टिप्स देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज हम एक ग्रेटनेस का विषय जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय महान कौन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपके सामने जो प्रश्न रख रहे हैं कि महान कौन होता है, वह हम आपसे उत्तर जानना चाहेंगे और इस वक्तव्य के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि महानता के क्या लक्षण हैं, कौन महान बनता है, किसे महान कहा जाए और महानता की क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टी है और क्या गुण है। भाई और बहनों, महान किसे कहते हैं? महान वह व्यक्ति होता है जो लोगों की भलाई करे, सबको आराम पहुंचाए, सबको सुविधा दे, जगत का कल्याण करे और इस प्रकृति के चराचर जगत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनियां कही जाती है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, उन सब की रक्षा करे, उनके प्रति उसके दिल के अंदर विनम्र भाव होने चाहिए। सबसे महान व्यक्ति वह होता है वो जो अपने भीतर ये भावना रखता हो कि जिस तरीके से मेरा ये चेतन तत्व है, उसी तरह सृष्टि के चारों ओर जो है चेतन तत्व जो है असंख्य असंख्य अनंत अनंत संख्या में हैं, तो उन सब चेतन तत्वों को जो है मैं एक अच्छी निगाह से देखता हूँ। इसलिए व्यक्ति को हमेशा चिंतन करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, महानता के लिए मैं एक नमस्कार की बात करता हूँ कि नमस्कार किसे कहा जाता है। नमस्कार भी वही बात है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के दर्शन करके मैं धन्य हो गया, उसको नमन करता हूँ, आपकी आपकी महानता को नमन करता हूँ। मनुष्य के भीतर महानता छिपी पड़ी है लेकिन वो आवृत है, उसको खोजने वाला व्यक्ति, उसको अनावृत करने वाला व्यक्ति ही महान होता है। महानता को हम बाहर से नहीं लाया जाता है, महानता बाजार में नहीं बिकती है, महानता खरीदी नहीं जा सकती, महानता बेची नहीं जा सकती। ग्रेटनेस जो है वो भीतर से आती है, ग्रेटनेस को खोजना होता है और उस ग्रेटनेस को खोजने के लिए हमें कुछ सूत्र ढूंढने पड़ेंगे। अब जैसे महानता की बात करें, अकबर महान कहा जाता है, अशोक महान कहा जाता है, सिकंदर महान कहा जाता है। सिकंदर महान ने तो उसने बहुत हिंसा की है, वो महान अलग दृष्टि से है डिक्टेटर होने के हिसाब से, लेकिन ये तो दोनों बातें हैं जो हमारे इतिहास के अंदर आती है, अकबर महान और दूसरा जो है वो अशोक महान। महान अशोक को क्यों कहा जाता है कि अशोक ने अपने पूरे परिवार को जो है बुद्ध धर्म, जो कि भारत का धर्म है, भारत में आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने इसको प्रारंभ किया। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर समकालीन ही थे, मात्र उनके अंदर 250 वर्ष का अंतर था और दोनों ही बिहार की धरती पर पुष्पित हुए, पल्लवित हुए और वहाँ पर इसका उद्भव हुआ और इसको आगे बढ़ाया। आज वर्ल्ड के अंदर दोनों धर्म जो है विश्व के धर्मों के अंदर आते हैं, तो ये महापुरुषों की देन है। वो जो है हमारे अशोक महान ने अपने पूरे परिवार को जो है बुद्ध धर्म को पूरे विश्व के अंदर फैलाने के लिए कार्य किया और वास्तव के अंदर उसके पुरुषार्थ की वजह से वह जो है धर्म आगे फैला। दूसरा अकबर महान, अकबर महान कैसे बना कि जितने भी मुगल सम्राज थे उन्होंने हमेशा जो है हिंदुओं का तिरस्कार किया, हिंदुओं को बेइज्जत किया और हिंदुओं को कोई भी भ्रातृत्व या भाईचारे के रूप में नहीं देखा, लेकिन अकबर महान ने जो है हिंदू और मुस्लिम आपस के अंदर भाई भाई समझा। और अकबर की रानियां भी थी, वो हिंदू रानियां थी और उससे उनकी संतान भी हुई, यानी वो हर धर्म को जो है वो पूरी तवज्जा देता था, सर्वधर्म संभाव की और दीन इलाही धर्म जो उन्होंने चालू किया, जो उसने प्रारंभ किया और वो बहुत पॉपुलर हुआ, उसके कारण वो महान बना कि सभी धर्मों को जो है उसने आदर दिया।
कहने का अर्थ यह है, हम अच्छी बातों का सत्कार करते हैं जब ही महान बनते हैं। देखिए, हमें साधारण व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये तो महापुरुष थे। एक साधारण व्यक्ति महान कैसे बन सकता है इस जीवन में? तो उसके लिए मैं 5 मुख्य सूत्र जो है आप देना चाहूँगा। वो व्यक्ति अगर जीवन में पालन करे और जीवन के लक्ष्य के अंदर अपनी जो है दैनिक दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, उसके अंदर जोड़े तो वो महान बन सकता है। सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक महान बनने की यही है कि जो लोगों को प्रिय हो वो कार्य करे और उससे किसी को कष्ट ना हो, किसी का हस्तक्षेप ना हो, वो महानता का सबसे बड़ा सूचक है और ये इसका मापदंड है। तो हम एक एक सूत्र को लेते हैं। पहला सूत्र है भाव क्रिया। महान बनने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रेजेंट के अंदर रहना चाहिए। दी यस्टरडे हैज गॉन अवे एंड टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग वर्क। और जो वर्तमानता है वही वीतरागता है और वही सिद्धि है। वर्तमान के अंदर जीने वाला व्यक्ति अपनी फुल एनर्जी जो है, फुल विटिलिटी है, फुल प्राण शक्ति है, उसका उपयोग करता है और उस कार्य के अंदर इतना संकल्पबद्ध हो जाता है, इतना दृढ़चित्त हो जाता है कि वह और कार्य एकाकार हो जाता है। खाने के समय खाना, पीने के समय पीना, सोने के समय सोना, बात के समय बात और लिखने के समय लिखना, वह उसके अंदर ऐसा खो जाता है कि ध्याता और ध्येय एक हो जाता है। तो वो भावक क्रिया कहलाती है और वही सबसे बड़ा मेडिटेशन है, वही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा वो विकास का यही कार्य है। जितने जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो या जितने बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष हो, उन्होंने जो कोई खोज की है, क्योंकि जो वैज्ञानिक होता है वो पदार्थ की खोज करता है और ऋषि महात्मा होते हैं वो अध्यात्म की खोज करता है, वो आत्मा की खोज करता है, वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, ब्रह्म ज्ञान की बात करता है और उसके बाद के अंदर जो ज्ञान की बात करता है, तो वो दोनों प्राप्त वो कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट के अंदर रहते हैं। तो उसको प्रेजेंट में रहने को हम भावक क्रिया कहते हैं। और व्यक्ति इस तरीके का अगर अपने जीवन के अंदर एक सिद्धांत बना देता है तो वो महान बन जाता है। धीरे धीरे उसमें ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं जिससे कि लोगों को लगने लगता है कि व्यक्ति बहुत पहुंचा हुआ है, व्यक्ति बहुत साधनाशील है और व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हैं जिसको कि महान कहा जाना चाहिए। दूसरा होता है भावक क्रिया के बाद, दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। देखिए, आज दुनिया में जितने बड़े झंझट होते हैं, चाहे बड़े लेवल के ऊपर देखें, एक देश दूसरे देश के साथ देखें, चाहे महायुद्ध की बात करें, प्रथम महायुद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया और दूसरा महायुद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया, उसके पीछे कारण क्या था कि युद्ध जो है सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग के अंदर जन्म लेता है। जो व्यक्ति जिसके पास के अंदर जो है वो कहना चाहिए कि सत्ता हो और वो व्यक्ति अगर उल्टा सोचने लग जाए तो युद्ध उसके जन्म उसको उसके दिमाग के अंदर जन्म लेता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है और वह दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बनना चाहता है, उस देश को बड़ा बनाना चाहता है, तो वह अच्छा विचार नहीं है। तो ऐसा विचार आने वाले व्यक्ति के दिमाग के अंदर सबसे पहले जन्म लेता है। तो सारी बातें क्या होती है, प्रतिक्रिया से होती है। घर में छोटे स्तर पर तू तू मैं देखिए, आप जो है व्यवसाय के अंदर देखिए, आप दुकान पर देखिए, आप धर्म संस्थानों के अंदर देखिए, शिक्षण संस्थाओं में देखिए और पब्लिक प्लेसेस के अंदर देखिए, ये प्रतिक्रिया विरति होती है। एक व्यक्ति ने एक बात कही, सास बहू के बीच में जितने झगड़े होते हैं, भाई भाई के बीच में झगड़े होते हैं, वो एक व्यक्ति ने एक बात कही, दूसरे ने 4 सुना दी, तीसरे ने 8 सुना दी, उसने 16 सुना दी, इस तरीके से ये जो लेन देन है बातों का जो है, शब्दों का जाल चलता रहता है और व्यक्ति उलझ जाते हैं और इस कदर उलझते हैं कि ये नौबत आ जाती है, पुलिस तक की नौबत आती है, कोर्ट केस की नौबत आती है, हाथापाई की नौबत आ जाती है, मारपीट की नौबत आती है। इसलिए भाइयों और बहनों, महान बनना है तो व्यक्ति कोई कैसी भी प्रतिक्रिया करे, आपको तटस्थ रहना चाहिए, आपको मध्यस्थ रहना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो मधुर बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और उतनी बात अपना शॉर्ट में करेंगे, व्यक्ति को
इस समाज में जब रहता है तो व्यक्ति चुप भी नहीं रह सकता है और चुप रहना भी नहीं चाहिए, क्यों कई बार चुप्पी जो है वो उल्टी गलत हो जाती है, लेकिन उसको इतना संक्षेप के अंदर जो है जवाब दिया जाना चाहिए कि वो प्रतिक्रिया विरति नहीं हो, उसके अगले के अंदर वो बात सही सही बात उसकी समझ में आ जावे। कई बार क्या होता है कि अगला व्यक्ति बहुत बड़े क्रोध के अंदर होता है, क्रोध एक तरह की अग्नि है, उस अग्नि के अंदर हम फिर वापस जो अपनी प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं तो अग्नि में घी डालने का काम करता है, उससे जो घी डालने से अग्नि वो दावा नल बन जाती है, वो प्रज्वलित हो जाती है। तो उस समय में आदमी को मौन रहना चाहिए, आदमी को शांत रहना चाहिए, जब सामने वाला बहुत फ्यूरियस हो, जब सामने वाला थक जाए बोलता बोलता, उस वक्त के अंदर उसको अच्छा परामर्श देना चाहिए, अच्छी बात बतानी चाहिए। ठंडा होने के बाद में तब वो रियलाइज करेगा कि जो इतनी मैंने बातें कही सब अनर्थक है, कोई व्यर्थ नहीं है, सार की बात ये है। तो भाई और बहनों, प्रतिक्रिया विरति का अर्थ यह है कि व्यक्ति को इतना ही बोलना चाहिए सार की बात, और ऐसा शास्त्रों में कहा है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना चरणीयम। कई बार क्या होता है हम प्योर सत्य बोल जाते हैं तो प्योर सत्य भी जो है व्यक्ति के लिए घातक हो जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो जाता है, किसी को पीड़ादायक हो जाता है, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। हमें तटस्थता, मौन, मध्यस्थता और सारयुक्त बात हो संक्षेप के अंदर करनी चाहिए। ये व्यक्ति जब इस तरीके का जीवन के अंदर अपना मूल्य बना देता है, अपनी नेचर बना देता है, अपनी प्रकृति बना देता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे महान बन जाता है। आज हमारे इस जो कहना चाहिए इस चराचर जगत के अंदर या सृष्टि के अंदर 7 अरब की जनसंख्याओं के अंदर कुछ देशों के अंदर महान व्यक्ति लिमिटेड होते हैं, क्योंकि महान व्यक्ति के अंदर सुनने का मादा होता है, टॉलरेंस पावर होती है, वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो खट अपने जो कहना चाहिए अपना अभिप्राय नहीं देते हैं, अपने ओपिनियन नहीं देते हैं, वो शांत रहते हैं। और ओपिनियन आवश्यक हो और एकदम सही हो उतनी दी जाती है, तो इसको कहते हैं प्रतिक्रिया विरति। तीसरा ये होता है कि भाव क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री। देखिए कितना सुंदर शब्द है, अगर आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति में से एक ऐसा सुंदर शब्द निकालो जिससे कि हम गदगद हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, आनंद हो जाएं, हम ही नहीं हमारे सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ हम रह रहे हैं जी रहे हैं वो भी आनंद चाहिए, तो मित्र, मित्रता, मैत्री। मैत्री इतना एक सुंदर शब्द है, और शब्द नहीं है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि वह हम सभी को आपस के अंदर जोड़ देता है। अपना सच में सहजा मैथिंग भूए सुकप्पे, स्वयं सत्य खोजो और सबके साथ मैत्री करो। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन लोगों ने यह कहा कि मैंने सत्य को खोजा, मैंने सच्चाई को खोजा। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। जो गांधी जी ने बात कही ये बात कहाँ से आई, ये बात भीतर से आई। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो भगवान है वो सत्य है, वो सत्य के कोई कौन नहीं होते हैं, जो कौन होते हैं झूठ के होते हैं। एक झूठ को जो दबाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, और सत्य एक ही होता है, एक बार ही बोला जाता है, और वह सत्य सत्य ही रहता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो मैत्री प्राणी मात्र के साथ मैत्री करो, आत्मतुला के सिद्धांत के अंदर विश्वास करो कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है वो व्यवहार में औरों के साथ में नहीं करूं, और सब प्राणी मात्र के साथ में मैत्री करना, क्षमा याचना करना। अगर व्यक्ति टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है, वो गलती कर लेता है, लेकिन गलती करने के बाद उसको प्रायश्चित होना चाहिए, उसको प्रतिक्रमण कहना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 4 टर्म्स इतनी सुंदर आती है जिससे कि मैत्री पुष्ट हो जाती है। सबसे पहला होता है कि सामायिक। सामायिक का मतलब अभी मैंने प्रतिक्रिया विरति बात कही, संभाव में रहना, उतार चढ़ाव नहीं आना, हमारे भीतर राग द्वेष नहीं आना चाहिए। कोई हमारी प्रशंसा करता है, वेल एंड गुड, कोई हमारी निंदा करता है, वेल एंड गुड, हमको सर्दी लग रही है, वेल एंड गुड, हमको गर्मी लग रही है, वेल एंड गुड, हमारा जो है वो तिरस्कार हो रहा है, वेल एंड गुड, हमारी प्रशंसा हो रही है, वेल एंड गुड। दोनों के अंदर सम रहना है,
वो सामायिक कहलाती। कितना बड़ा उच्च सिद्धांत है। ये सिद्धांत भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारी भारतीय संस्कृति से मिलते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है, अध्यात्म प्रधान है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो भीतरी जगत को जो है प्रमुख स्थान दिया, और उस भीतरी जगत में से ये सत्य आया। सत्य उद्घाटक भीतर से आता है, बाहर का जो सत्य होता है वह जड़ पदार्थ का सत्य है, जो हम आँखों से देखते वो जड़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन चेतना से जुड़ा हुआ जो सत्य है वो भीतर के जगत में होता है। तो हम बात कर रहे थे मैत्री की। देखिए चार शब्द जो मैंने बताया कि व्यक्ति को जो है वो अपने दोष खोजने का माइंडेड होता है। कबीर दास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। कितनी सुंदर बात है कि सभी मेरे मित्र है। क्षमा वीरस्य भूषणम्, सबको क्षमा करो। किसी से प्रतिशोध की बात जो है वो नहीं, दिमाग के अंदर प्रतिशोध की बात नहीं आनी चाहिए। और क्षमा कौन कर सकता है? जो वीर होता है। दुनिया को व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन अपने आप को जीतना के लिए क्षमा किया जाता है व्यक्ति को। तो सबके साथ हम मैत्री करते हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा विषय है, इस विषय पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि चराचर जगत के सभी प्राणियों को मित्रवत समझो, और उनके साथ में कोई ऐसा व्यवहार न किया जाए जिससे उसको कष्ट हो। अपने दोषों को देखने की हम बात कर रहे थे। जब व्यक्ति अपने फॉल्ट्स फाइंडिंग के अंदर लग जाता है तो वो सही दिशा के अंदर आ जाता है, और वो एक बहुत बड़ा कार्य करने लग जाता है। ये एक एक्सप्लोरेशन है कि जिससे बहुत बहुत बड़े जो है हम जीवन, कई जीवन लगा दें, तब जाकर के शुद्धिकरण होता है। लेकिन नॉर्मली हम अपना जीवन क्यों खराब कर देते हैं? हम दूसरे के फॉल्ट्स निकालते हैं, हम दूसरे के फॉल्ट निकालने में इतना माहिर हैं कि तुरंत हम फॉल्ट बता देते हैं और अपने फॉल्ट को दबा देते हैं। तो इसीलिए सामायिक का एक अर्थ ये भी होता है, अपने दोषों को देखना और उसके बाद के अंदर अपने दोषों को जाहिर करना गुरु के सामने या अपने शुद्ध आत्मा के सामने जाहिर करना, वो आलोचना कहलाता है। और तीसरा प्रतिक्रमण। ऐसा सुंदर हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर विधान है कि सॉरी, गलती हुई, सॉरी कर लिया आपने। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप जो है वो प्रतिक्रमण करते रहिए। प्रतिक्रमण जो मैल धोने का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारे भीतर बहुत बड़ा मैल भरा पड़ा है, कई कई जन्मों का मैल भरा हुआ है, उसको डिटर्जेंट रूपी साबुन से धोते रहिए, उसका नाम प्रतिक्रमण है। और उसके बाद प्रत्याख्यान, देखिए कि आपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू कर दी, आपने मैल तो धोना चालू कर दिया, और फिर और मैल को आप इन्वाइट करते रहोगे तो ये तो अनलिमिटेड कार्य होगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हो। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि जय जगत, जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का इसी क्रम के अंदर जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, और आप समाज के अंदर ऐसा कार्य करें कि महान बने, आप जो है अमर बन करके जाएं, लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। यह तभी किया जाएगा जब आप परोपकार का कार्य करेंगे।